नमस्कार राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकों हमारे देश में जितने भी कानून बनाए गए हैं वो आपकी और हमारी सहायता के लिए है हमारी सहूलियत के लिए है परंतु फिर भी कभी कभी इन सेवाओं में इन कानूनों में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जिनसे हमें वो सहायता वो सहूलियत नहीं मिल पाती तो क्या है वो नए कानून जन उपयोगी कानून जिनके माध्यम से हम अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं आइए लेते हैं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है जन उपयोगी कानूनों की जानकारी के माध्यम से इन्हीं हमारे विषयों पे इन्हीं सवालों पर हमारे आज के विशेषज्ञ से कुछ प्रश्न और इसकी जानकारी देने के लिए स्टूडियो मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ आइए लेते हैं इनका परिचय आप हैं डॉक्टर उदय चंद बारूपाल जी डॉक्टर उदय चंद बारूपाल जी आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज है तो दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर उदयचंद बारूपाल जी से बारूपाल जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमारा आज का विषय है कि जन उपयोगी कानूनों की जानकारी तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए यही जानना चाहूंगी कि जन उपयोगी कानून आखिर है क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमारे दर्शकों को थोड़ी विस्तृत जानकारी आप प्रदान करें जन उपयोगी कानूनों की जानकारी लेने से पूर्व हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विचार करना होगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द सब यूज किए गए हैं कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग अपने आप को शासित करने के लिए इस भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करते हैं जितने भी कानून बनते हैं सारे संविधान के अंतर्गत दी गई सूचियों के अनुसार बनते हैं केंद्र सरकार अपने केंद्रीय सूची के अनुसार बनाती है राज्य सरकारें राज्य सूची है उसके अनुसार बनाती है और तीसरी होती है समवर्ती सूची जिसके तहत कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है लेकिन अगर दोनों एक ही कानून बनाती है एक ही विषय पे तो केंद्र का बनाया हुआ कानून उसके ऊपर प्रिवेल करेगा तो आज जो विषय रखा है ये जन उपयोगी कानूनों के संबंध में ये वैसे कानूनों की फरिश तो बहुत लंबी है लेकिन कुछ समय अगर अपन देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनों में समावित नहीं है उनके लिए छोटे छोटे कानून पब्लिक को फैसिलिएट करने के लिए पब्लिक के कल्याण के लिए उन जन सहयोग के लिए बनाए जाते हैं अब आप अगर अपन इसको देखें तो भारतीय संविधान में भारत को कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा की कल्पना की गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता होगी और निष्पक्ष न्याय प्रणाली होगी व्यक्ति की गरिमा होगी तो ये जितने भी कानून बनाए गए हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है और लोक कल्याणकारी राज्य में यह है कि उसकी परिकल्पना है कि हम देश के हर नागरिक के आंसू पहुंच सके और उसके लिए ही जनोपयोगी कानूनों को निर्माण किया जाता है और उनके ऊपर लागू किया जाता है जी बहुत अच्छी बात की आपने बारूपाल साहब की हर व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है कानून बनाए जाते हैं मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जन उपयोगी कानून आखिर कानून तो कानून है तो जन और जो भी कानून है वो जन के लिए ही है आपके और हमारे लिए ही है तो अलग से जन कल्याण कानून क्यों बनाए गए हैं और कौन कौन से ऐसे मुख्य कानून हैं जिसकी जानकारी एक आम इंसान को होना बहुत लाजमी है जन उपयोगी कानून तो एक अपने शीर शक्ति है कल्याणकारी राज्य में सारे कानून जितने भी बनते हैं चाहे संसद बनाए या विधानसभा बनाए या डेलीकेटेड लेजिस्लेशन जो संविधान के आर्टिकल 309 के अंतर्गत वो अधिसूचनाएँ जारी की जाती है वो सब जनता के कल्याण के लिए होती है अब ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको लागू करने वाली एजेंसी कैसी है कानून कोई बुरा नहीं होता कानून बुरा नहीं होता लेकिन कानून को लागू करने का तरीका या लागू करने की नीयत कैसी है इसलिए समय समय पर कानूनों के अंदर कमियाँ नहीं रहती लेकिन कमियों के बावजूद भी कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जो जनता को फैसिलेट नहीं कर पाते और उपयोग नहीं हो पाता इसलिए उनके लिए कानून बनाए जाते हैं जैसे लोग जन सुनवाई का अधिकार है जन सुनवाई का अधिकार क्या है सुनवाई का अधिकार तो संविधान में दिया हुआ है सबको लेकिन छोटे छोटे विषय ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पब्लिक को पता नहीं होती हर हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी नहीं होती हर व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती लेकिन ये इसलिए बनाए जाते हैं छोटे छोटे कानून कि पब्लिक को उस की जानकारी हो और वो उसके अनुसार अपना अपने हैसियत के अनुसार अपना न्याय प्राप्त कर सके और स्वतंत्र न्याय की परिकल्पना को साकार किया जा सके मतलब जो भी कानून बनाए गए हैं अगर उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपने कहा कि नीयत कैसी है तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसी की नीयत अच्छी होगी तो वो अच्छी तरीके से कानून को लोगों तक पहुंचाएंगे उसकी जो जितनी जरूरत होती है उतना उसका लाभ लोगों तक मिलेगा और अगर नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के लोग आपने एक चीज कही जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम जो शायद 2012 में था ये आ, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ उससे पहले मैं वो कुछ मुख्य कानून जानना चाहती हूँ जो जन सुनवाई अपना जन कल्याण कानून के तहत आते हैं उनका इस, आप थोड़ा सा कुछ बताएं। लंबी फहरिस्त है लेकिन मैं आपको आप मुख्य कानून जैसे अभी मैंने बताया दो का जन सुनवाई कानून है आपका सूचना का अधिकार दो सौ है ग्राम न्यायालय का दो का कानून है आपका एक अभी जस्ट 2023 में कानून बनाया कि जन राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2023 बना है जो अभी भी लागू हुआ है तो ये जो कानून बनाए जाते जैसे घरेलू हिंसा का कानून है आपका आ, कुछ अभी उपद्रव और बेड एलिमेंट्स को की गतिविधियों को रोकने के लिए अभी कानून बनाए गए कानून बनाएंगे ये सारे कानून है जो जनता को जनहित में ध्यान के बनाए गए हैं। तो ये जितने भी कानून आप बता रहे हैं ये कानून तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं तो ये एक अलग लिस्ट में क्यों है नहीं अलग लिस्ट नहीं है सुनते हुए नहीं आ रहे हैं ये कानून वैसे तो समाहित बड़े कानूनों के अंदर है जैसे सारे अपराधिक कानून है आई से गवर्न होते हैं उसके अंदर है लेकिन वह एक न्यायिक प्रक्रिया और इतनी लंबी होती है कि लोग उसको बहुत समय लगता है अब जैसे जन सुनवाई का अधिकारी है वहाँ एक कंप्लेंट करोगे तो उसको सालों लग जाएगा आपको सुनाएगा लेकिन यहाँ इन्होंने समय निर्धारित कर दिया हाँ, तो के, मैं इसी के, के बारे ग्राम, में आप बताएं जी। ग्राम लेवल के ग्राम पंचायत लेवल पे उपखंड लेवल पे पंचायत लेवल पे आपके जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे कौन कौन अधिकारी किस किस के क्या जैसे आपको एक पर्टिकुलर योजना पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला तो पेंशन वो आवेदन कहाँ करे तो उसके लिए पहला लोक सुनवाई अधिकार अधिकारी बनाया गया है फिर प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी बनाए गए हैं तो उसमें इनको और समय भी निर्धारित किया कि एक एक अधिकारी इतने इतने दिन में इस केस का डिस्पोजल करेंगे इसलिए ये कानून क्योंकि ये उस कानून में नहीं है जो चीजें रही हुई है जो समय के अनुसार तो रिफॉर्म्स कह सकते हैं हाँ हा, रिफॉर्म्स ही है समय के अनुसार अब जैसे जिस टाइम पे ये कानून बने थे उस टाइम डिजिटल नहीं था आपका मोबाइल नहीं था बिल्कुल आपका फेक्स नहीं था आपके ये कंप्यूटर नहीं थे आपके ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ये नहीं थे ईमेल नहीं थे तो इनको कानून में जोड़ा गया है तो इनमें कमे नहीं समय के अनुसार कानून में परिवर्तन होना ही ये छोटे छोटे कानून जनउपयोगी इसलिए अभी जन उपयोगी कहलाते हैं जी अच्छा आपने अभी जो कानूनों की मुझे जो जन उपयोगी कानूनों की लिस्ट में जो कुछ कानून आपने गिनवाए उसमें आपने एक बोला अभी कि लोक सेवाओं के प्रदान कि जो गारंटी है जो अधिनियम 2011 ये नाम ये, ही ये थोड़ा सा अलग सा है तो इसको नहीं, कैसे समझें ना, अलग नाम नहीं है लेकिन ये थोड़ा कलिष्ट भाषा है समझने में दिक्कत आती है इसमें ये एक्चुअली में सरल भाषा में ये है कि सरकार ने जनता को जनता के हित के लिए ये गारंटी दी है कि आपकी आपका परिवाद आपकी शिकायत आपका केस आपका मीटर जैसे नामनंदनकरण का गया आपका आपका गिरदावरी का मीटर आ गया आपका आपका बिजली के कनेक्शन का मीटर आ गया तो इन सब विभागों के अंदर एक अधिसूचना जारी करके पूरे परिपेक्ष्य के अंदर राजस्थान सरकार के जितने मंत्रालय हैं जितने विभाग हैं जैसे आपका जलदाय विभाग है और आपके भू राजस्व विभाग है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है इन सब के अंदर हर अधिकारियों के साथ उनको सबको ये निर्देशित कर दिया एक अधिसूचना जारी की गई है कि जैसे एक बिजली के कनेक्शन की फाइल आई तो जिस कंसर्न बाबू के पास जाएगी उसको तीन दिन में करके आगे भेजनी है उसको ये नहीं है कि वो पचास दिन तक पटके रखेगा उसको और उसके बाद एन के पास कनेक्शन के लिए जाएगी तो सात दिन में उसको काम करना होगा इस तरह से हर अधिकारी की और हर फाइल की हर प्रार्थना पत्र की हर परिवाद की हर परिवेदना की सबकी एक समय की गारंटी गारंटी दी है सरकार ने गारंटी दी तो मतलब है, है।, इस, है सरकार सेवा दे रही है और सेवा के अंदर गारंटी दे रही है आपका आपकी सुनवाई इतने दिन में होगी हो जाएगी हो जाएगी जी अच्छा आपने अभी एक और कानून की बात की थी ग्राम न्यायालय जो 2008 अधिनियम आपने बताया तो ये क्या है और इससे कितना लाभान्वित हुआ है एक अगर हम आम इंसान समझे ग्रामीण परिवेश से जो संबंधित है अगर अपन देखें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर विचार करें तो उन्होंने ये कहा था कि भारत गांवों का देश है आज 80 परसेंट जनसंख्या गाँवों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो गांव वालों को बिल्कुल लो लेवल पे न्याय कैसे मिली इसकी परिकल्पना की गई वैसे तो जुडिशरी बनाई हुई है तीसरा भाई व्यवस्था पे कहा है कार्यपालिका है न्यायपालिका है लेकिन न्यायपालिका के अंदर भी न्यायपालिका का इतना स्ट्रक्चर बड़ा है और इतना समय लगता है कि तो इसकी परिकल्पना की गई महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर ग्राम न्यायालय डोर टू डोर घर घर न्याय घर-घर की की तो अच्छा? ले, लेकिन उनको ग्राम न्यायालय में पद स्थापित किया जाता है और उनको ये कहा छोटे छोटे मैटर होते हैं जैसे किसी के थप, थाप मुक्की हो गई या किसी के गाली गलोच हो गया या किसी के लेन का मामला हो गया या गली के बारे में झगड़ा हो गया किसी की चबूतरी के बारे में झगड़ा हो गया तो वो क्या है जो 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 केसेज कंप्लेंट्स जितनी भी है वो मजिस्ट्रेट मोबाइल वैन लेकर के ग्राम पंचायत के ऊपर जाकर के बैठता है उस गांव की सारी सिविल हो या क्रिमिनल हो उन विवादों का तो, निस्तारण करता है हाँ, और लोगों को न्याय देने का प्रयास करता है इसके लिए कोई तिथि या दिना कोई निर्धारित होती है या ऐसे इसके मतलब लिए जो 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 आई है उसकी एक निश्चित कर देते हैं और पंद्रह दिन पहले बता देते हैं कि इस तारीख को ग्राम पंचायत इसके ऊपर न्यायालय ग्राम न्यायालय लगेगा और जन सुनवाई की जाएगी जी तो मतलब इससे यह है कि जो लोग शहर तक नहीं जा सकते या शहर के उन बड़े केसों के बीच में उनकी फाइल कहीं दब जाए उसका निस्तारण वहीं नहीं, उनके दरवाजे हो जाए ये, ये ग्राम न्यायालय बनाया ही अलग से है शहरों से बिल्कुल अलग है यह शहरी न्यायालयों से इसको अलग किया गया है बिल्कुल शहरी न्यायालय से इसलिए कि वो कंप्लेंट अगर ग्राम न्यायालय नहीं होते तो वो छोटी छोटी कंप्लेन्ट शहर के न्यायालयों में होती है न्यायालय में आती तो वो आप, आप देख रहे हो कितना अंबार लगा हुआ हाँ है आज की तारीख में कम से कम पांच करोड़ से ज्यादा केस हिंदुस्तान में पेंडिंग है नंबर ही नहीं आता बेचारा उस ग्राम वाले का कहाँ नंबर आएगा उस छोटी कंप्लेंट का तो इनको छोटे छोटों को द्वार पे न्याय घर घर न्याय की परिकल्पना के आधार पर ग्राम न्यायालयों की सृजना की है और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ मैं क्योंकि जुडिशरी से बिलोंग करता हूँ मैं ये भी बताना चाहूँगा इससे ग्रामीण पब्लिक को बहुत अच्छा लाभ मिला है और उनके विवाद आपस में सुल जाते हैं और बंधुत्व की भावना बनी रहती, बनी रहती है रहती। बनी रहती। जी। अच्छा एक दो में एक अधिनियम आया था सूचना का अधिकार जी तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कितना लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ या लोगों ने उसका कितना लाभ लिया सरकार उसको किस नजर से देखती है और कानून की दृष्टि से अगर उसको समझना चाहे तो वो क्या लोगों के लिए कितना सूचना का, का अधिकार दो अधिकार 2005 में लाया गया और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊ कि इस सूचना के अधिकार का उद, उद्भव राजस्थान से हुआ है जी और राजसमंद जिले से हुआ इसका जो मस्टर रोल होते हैं ना जो लोग काम करते हैं ठेकों के ऊपर और पंचायतों में तो किसी ने मस्टर रोल की नकल मांगी मस्टर रोल की नकल नहीं दी गई उसको उसने इस वीडियो को उठाया और उस समय तत्कालीन सरकार ने इसको कंसीडर किया और राजस्थान में एक नियम बनाया और उसके बाद ये पूरे इंडिया के अंदर 2005 के अंदर कानून बना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है के जनता को भारतीय नागरिकों को पारदर्शी स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन दिया जा सके और उनके विवादों को हल किया जा सके अब प्रश्न ये है कि सूचना का अधिकार अब मैं आपको कि ये कानून लागू होने से पहले आपकी एसीआर में क्या लिखा है अधिकारी ने आपको नहीं बताया जाता था अच्छा अब आपको यह है कि आपको जो ही आपका फाइनेंशियल ईयर ए सी आर गई छह महीने आपको डिपार्टमेंट सूचना करा कि इस साल का काम है पे रहा और आपके अधिकारी ने ये रिपोर्ट लिखी आपके बारे में इवन देन और आदमी रिटायर हो जाता तब तक पता नहीं था कि मेरी ए में किसी ने क्या लिखा लेकिन अब सूचना के अधिकार भी ले सकते हो और उन पर मैंडेटरी ड्यूटी कास्ट कर देगी आप बताएंगे क्या लिखा तो ऐसे कौन से बिंदु होते हैं जिन पर सूचना का अधिकार के तहत भी सूचना नहीं मिलती क्या अपवाद की सुरक्षा अखंडता और इसको जो है राष्ट्र के अहित में कोई काम होता हो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी जैसे अभी मिलिट्री के कोई काम हो रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी लेकिन शासन ने पानी की टंकियाँ बनाएंगे आपको सूचना दी जाएगी सारी सूचनाएं दी जाएगी और प्रक्रिया क्या रहती है जैसा प्रक्रिया इसके अंदर यह है कि एक निश्चित फॉर्म है एक पेज का बहुत बड़ा नहीं है चार या पांच कॉलम है उसके अंदर नाम पते अपना एड्रेस और क्या सूचना चाहिए आपको दो लाइन में वो लिखें दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएं और आप निश्चित सूचना सूचना क... अधिकारी होता है उसको सबमिट करें हर डिपार्टमेंट में सूचना अधिकारी बना हुआ है उसके बाद में अगर वो नहीं देता है इसकी अवधि है तीस दिन तीस दिन के अंदर अगर वो नहीं देता है तो आप प्रथम अपील कर सकते हो अपील अधिकारी है और उसके बाद में राज्य आयोग में अपील कर सकते हो और सूचना देने लायक है और कोई अधिकारी नहीं देता है तो उसके ऊपर पच्चीस हजार रुपये के एप्लीकेशन पे जुर्माना होता है और वो जुर्माना कर्मचारी को अधिकारी को अपनी तनख्वाह में से देना पड़ता है आपने कहा अभी जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे अभी इस कार्यक्रम के तो आपने एक चीज कही जन सुनवाई का अधिकार दो हजार बारह अधिनियम जो था उसमें दिन निर्धारित किए गए हैं और उससे बहुत पहले का दो हजार पांच का ये सूचना का अधिकार अधिनियम दो हजार पांच है तो इसमें तीस दिन का इतना लंबा समय क्यों है वहां जब तीन तीन दिन में जन सुनवाई हो रही है वो जन सुनवाई वो वो अधिकार वो अधिकार दिया है आपको आपकी कम्प्लेट इस टेबल से टेबल तीन दिन पे आएगी अच्छा। अब जैसे सूचना का अधिकार है आज आपने सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी और वो रिकॉर्ड आपके नागौर में पड़ा है तो उसको मंगाने में टाइम लगेगा और दिया जाएगा तीस दिन का टाइम इसलिए दिया गया है कि अच्छा फिर एक सूचना अधिकारी उसके अंडर में दस डिपार्टमेंट है किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो उसको भेजेगा वो आएगी तब आपको सूचना दी जाएगी इसलिए तीस दिन संसद ने बड़े सोच समझ के दिए हैं उसके अंदर संसद द्वारा निर्धारित है किसी और के द्वारा निर्धारित नहीं अच्छा ये संसद के द्वारा संसद के द्वारा निर्धारित है टाइम लिमिट अच्छा 2005 में एक बहुत बड़ा कानून और आया था एक अधिनियम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जी तो ये जो अधिनियम था इसको भी जन उपयोगी लोग मानते हैं बहुत ज्यादा तो मैं जानना चाहती हूँ की आज भी क्या लोग इससे फायदा ले रहे हैं और कितना फायदा पहुँचा है इससे और कितना ले सकते हैं हम लोग ये भी मैंने अभी आपको बताया की भारत गाँव का देश है और गाँव ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की है वो गाँव में है गाँव में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनका एक टाइम पे चूल्हा नहीं जलता तो ये जो अधिनियम लाया गया इसके अंदर सरकार ने गारंटी दी है कि हम आपको रोजगार देंगे आपके घर में हम चूल्हा जलाएंगे आप काम करें तो उसके अंदर गारंटी इतनी दी गई है कि एक साल में आपको सौ दिन का रोज़गार दिया जाएगा एक आदमी को सौ दिन का दे दिया दूसरे को फिर सौ दिन का फिर सौ दिन का ऐसे करके उस गांव की ग्राम पंचायत को पूरा इंक्लूड कर लेते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसके अंदर उसके जीवन व्यापन के लिए वो रोटी नहीं बना सकते मतलब एक घर में अगर चार या पांच लोग हैं तो उन पांचों लोगों को शामिल किया जाएगा जो काम हाँ, कर सकते हैं हाँ काम कर सकते हैं स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो हाँ क्योंकि वरना तो तीन सौ पैसठ दिन है अगर मान लीजिए मैं हूँ मैं सौ दिन काम करूंगी तो दो दिन क्या करूंगी तो मेरे घर में हाँ, जितने लोग हैं सभी शामिल वो एक रोटेशन बना रखा रोटेशन के रो, से। रोटेशन से बना रखा है और मैं इतना कहूँगा इस बारे में क्योंकि मैं खुद गाँव का रहने वाला आदमी हूँ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी देखते हैं गाँव को भी देखते हैं और इस मनरेगा में जो काम करते हैं उनको भी जानते हैं उनको भी देखते हैं और उनसे पूछताछ भी करते हैं उनसे कई बार मेल मुलाकात भी करते हैं तो ये जो रोज ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाइफ लाइन का काम कर रही है लाइफ इतना है कि किसी जमाने में हमने भी देखा था कि 10-10 बीस बीस घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलता था रोटी नहीं बनती थी आज गांव में जाओ कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर रोटी नहीं बनती चूल्हा नहीं जलता संभलता ये लोग संबलता ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान की ये जितने भी कानून जो मैं बता रहा हूँ ये कानूनों के अंदर एग्जेक्टली वो है कि प्रत्येक नागरिक को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए और लोक कल्याणकारी राज्य का वो एक महत्वपूर्ण तत्व है कि आर्थिक संबलता प्रदान की जाए जी आर्थिक संबलता की और लोक कल्याण की आप बात कर रहे हैं जैसा तो बारूपाल जी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनके भरण पोषण से संबंधित दो में एक अधिनियम आया था तो वो जो अधिनियम है उससे हम कितना लाभान्वित हुए हैं जो वृद्ध लोग हैं माता पिता हैं सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों को कितना लाभ मिला है या आज भी हम बहुत पीछे हैं और किस तरह से क्या वो मुख्य तरीके हैं जिनके माध्यम से हम उस स्कीम का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं उनको इसकी जानकारी भी कैसे देखो जहाँ तक भरण पोषण के कानूनों का सवाल है वृद्धों को छोड़ करके पहले सबके लिए बने हुए मेरिज एक्ट में बना हुआ है सीआरपीसी uh, के की एक धारा उसमें भरण पोषण का अधिनियम बना रखा सारे है लेकिन वृद्ध सिटीजंस के लिए ये अलग से कानून लाया गया और उनको एक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक गारंटी प्रदान की गई है आजकल आप देखते हैं अखबारों में मैगजीनों में बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं उनको अटेंड नहीं करते उनको टाइम पे, उनकी पूछताछ नहीं करते उनका स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करते कभी उनको खाना नहीं खिलाते तो इन सब चीज़ों को जो सामाजिक परिवर्तन आया पहले ऐसा नहीं था माँ बाप को लोग इज्जत दे करके रखते थे आज एक सामाजिक परिवेश में एक अलग तरह की कल्चर डेवलप हो गई न्यूक्लियर फैमिली टाइम टाइम आई इसलिए अध अधिनियम लाना पड़ा और इस अधिनियम के तहत यह है कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति सीनियर सिटीजन की परिभाषा में आएगा अगर उसके बच्चे उसको भरण पोषण नहीं करते हैं तो उनको भरण पोषण करने के लिए इसमें बात देता है क्या बात देता है आपको करना पड़ेगा नहीं करेंगे और परित्याग कर दिया सजा का प्रावधान तो तीन महीने की सजा और पांच हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है और उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है कि दस हजार रुपए अधिकतम भरण पोषण के लिए दिए जाएंगे अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो आगे पीछे कोई नहीं है तो उनके लिए सरकारी पेंशन योजना अलग है सामाजिक अच्छा। बीमा सुरक्षा प्रदान की गई तो ये जन उपयोगी जन कल्याणकारी नियम और अधिनियम बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लाभान्वित करने के लिए कि ये एक छोटी सी चीज के लिए वो एक शाम के खाने से वंचित नहीं जी अच्छा एक चीज आपने अभी बहुत शुरू में जो कही कि एक हाल में एक कानून पारित हुआ है एक अधिनियम आया दो आम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी जो कानून पारित किया गया और वो राजस्थान में ही हुआ है अभी हाँ। फिलहाल तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत जानकारी दें क्योंकि अभी तक लोगों के बहुत उसको स्थिति है कि समझ नहीं पा रहे हैं ये कानून अभी पिछले विधानसभा सत्र में पारित हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम दो हजार ये अभी लागू होगा लागू हो चुका है लेकिन इसके तहत कुछ नियम बनने हैं कि इसको कैसे कैसे लागू किया जाएगा पहले सरकार का नियंत्रण सिर्फ सरकारी अस्पतालों पे था तो सरकारी डॉक्टर सरकारी डिस्पेंसरी जो जितती है वो तो सरकार के आदेशों से बाध्य थे लेकिन इस अधिनियम के अंदर सारे प्राइवेट अस्पतालों को भी सम्मिलित किया गया है कि वो किसी भी नागरिक को उपचार के लिए मना नहीं कर सकते और 25 लाख तक के रुपए के इलाज बिल्कुल फ्री किए हैं और उनका इलाज का पैसा सरकार अपने पास से देगी लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज के लिए कोई यह कह करके कर मना नहीं कर सकता कि तेरे को पैसे नहीं जमा कराए इसलिए नहीं करेगी वो पैसे सरकार से आएंगे सरकार सब्सिडी देगी उनको पेमेंट करेगी और दूसरा ये भी है कि बहुत सारी कानूनों में औपचारिकताएं होती है जी जी जैसे पुलिस या इंक्वायरी के साथ तो वो इंक्वायरिया बंद करके मतलब ये है कि, कि अब इनको सारी सुविधाएं सर... जो हैं वो सरकार के माध्यम से दे जाएंगी और से यही हमारे जन उपयोगी कानून का मतलब मुख्य हम लोग मान के चले बारूपाल साहब ये बहुत बहुत अच्छा विषय था जिस जिसपे मैंने बहुत सारे कुछ कानूनों के विषय में आपसे समझा और जाना और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचाई उम्मीद करती हूँ यूसी बारूपाल साहब आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए विषय पर आपसे बहुत अच्छी जानकारी लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो दर्शकों उम्मीद करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम रहेगा यही कानून की बात और तब तक के लिए नमस्कार